हेलो एवरीवन, आई एम पूनम यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई, हियर विद द वीडियो लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट वेब टेक्नोलॉजी एंड ई कॉमर्स. ओके, दिस इज़ बीसीए फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट. ऑफ सब्जेक्ट कोड इज़ बीसीए 105. ओके, एंड यूनिट वन, नेम ऑफ द यूनिट इज़ बेसिक ऑफ इंटरनेट, लेक्चर पार्ट वन. ओके स्टूडेंट्स, तो हम अपना जो है ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो में जो है हम यूनिट वन बेसिक्स ऑफ इंटरनेट के बारे में देखेंगे. सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ देना चाहूँगी कि वेब टेक्नोलॉजी एंड ई कॉमर्स, ये जो आपका फिफ्थ पेपर है, ठीक है, ये टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है. ठीक है, इसमें आपको मिनिमम 27 मार्क्स लाने होते हैं. जो थ्योरी एग्ज़ाम होती है 80 मार्क्स की होती है, ठीक है, और इसका प्रैक्टिकल भी होता है. ठीक है, तो प्रैक्टिकल में भी आपका ये जो 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और 80 मार्क्स का जो है थ्योरी एग्ज़ाम होती है, और साथ में जो है 20-20 मार्क्स के आपके इंटरनल भी होते हैं. ठीक है, तो ये स्कीम है. इसके बाद ये आपका सिलेबस है. ठीक है, सिलेबस में जो पहला यूनिट है दैट इज़ बेसिक्स ऑफ इंटरनेट. ओके, इसमें हम इंटरनेट के बेसिक्स, जो टर्मिनोलॉजी होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसके बारे में देखेंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज़ HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है, ये और सेकेंड थर्ड यूनिट जो आपका है दैट इज़ DHTML एंड जावास्क्रिप्ट. यूनिट फोर इज़ योर PHP एंड यूनिट फाइव इज ई कॉमर्स. ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है कंटेंट है इस सिलेबस के, जिसमें कि आप जो है वेब टेक्नोलॉजी के बारे में ओवरऑल काफ़ी जो है नॉलेज गेन करेंगे. और ये जो है इसमें आप ई कॉमर्स जो है ये ई कॉमर्स के बारे में भी पढ़ेंगे. PHP, ये जो है इसमें जो प्रोग्रामिंग पार्ट रहेगा आपका, HTML, PHP, जावास्क्रिप्ट, DHTML, CSS, ओके, ये सारा जो है प्रोग्रामिंग रहेगा. इसमें हम वेब पेज डेवलपमेंट इसके बारे में देखेंगे. तो किसी भी प्रोग्रामिंग या किसी भी कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानने से पहले हम उसके बेसिक्स के बारे में जानते हैं. तो पहला जो है, पहला यूनिट इसके इस लेक्चर में जो आप देख पाएंगे, पढ़ेंगे, जो हम डिस्कस करेंगे, पहला है बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, देन हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड यूज ऑफ इंटरनेट एंड रेफरेंसेस. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर. तो बेसिक ऑफ इंटरनेट. ओके, इंटरनेट क्या होता है? तो हम यदि इंटरनेट की बेसिक डेफिनेशन या हम बेसिक लैंग्वेज में यदि उसे बताएं तो ये क्या होता है, द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, ये एक नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, एक नेटवर्क के नेटवर्क होता है जिसमें कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के कंप्यूटर को क्या करता है, वो कनेक्ट करता है. इस ये जो इमेज है इसमें आप देख सकेंगे कि क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या जो है एक्शन परफॉर्म किया जा सकता है यूजिंग इंटरनेट. ठीक है, हम घर बैठे जो है कोई भी कहीं की भी इंफॉर्मेशन यदि हमको चाहिए, न्यूज़पेपर रीडिंग करना है, ठीक है, यदि आपको टेलीमार्केटिंग करना है, ऑनलाइन शॉपिंग करना है, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, या कोई भी कोर्स के बारे में आपको सीखना है, पढ़ना है, तो ये जो सारा चीज़ है ये क्या होगा, हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं. और आज के डेट में जो है इंटरनेट जो है बहुत ही मस्ट चीज़ हो गई है, मस्ट हो गया है फॉर एवरी फील्ड. ठीक है, हर फील्ड के पर्सन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है. तो इसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. ठीक है, तो इंटरनेट जो है कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो ये बहुत पहले जो है 1969 में, ठीक है, क्या हुआ था, US मिलिट्री ने जो है एक अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बनाया, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अर्पानेट, और उन्होंने अपने जो कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट किया. ठीक है,
और इसके बाद में साथ ही जो है कुछ कॉलेज और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अपने रिसर्च वर्क के लिए जो है ये अर्पानेट के का यूज़ करके एक अपना एक नेटवर्क बनाया, जिसमें कि वो अपने कॉन्फिडेंशियल मैसेज जो है एक दूसरे को कम्युनिकेट करते थे। ठीक है, तो ये सबसे पहले अर्पानेट जो है नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आया, इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद इसमें जो है अपडेट्स होते गए, चेंजेस होते गए, और आज की डेट में हम इंटरनेट का जो है प्रेजेंट सिनेरियो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, ये क्या करता है, इट बिगेन ऑफरिंग डायलअप कनेक्शन इंटरनेट अकाउंट्स फॉर अ मंथली फी, ठीक है, गिविंग यूज़र एक्सेस ईमेल डिस्कशन ग्रुप एंड फाइल ट्रांसफर। एक ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट आया। ये क्या होता है कि एक डायलअप इंटरनेट अकाउंट अलाउ करता है मंथली चार्जेस के अकॉर्डिंग, और जिसके थ्रू हम जो है फाइल ट्रांसफर या ईमेल या नेट सर्फिंग ये सारा कुछ कर सकते हैं। देन इन 1989 वर्ल्ड वाइड वेब WWW, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका कॉन्सेप्ट आया। ये क्या होता है, इन अर्ली 1990s द कॉम्बिनेशन ऑफ ईमेल एंड वेब एंड ऑनलाइन चैट प्रोपेल्ड द इंटरनेट इनटू नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रीमिसेस। ठीक है, तो जब ये जो जो चेंजेस हुए, ठीक है, ISP देन WWW, इन्हों ने जो है ड्रेस्टिक चेंज किया और एक नया ही जो है वेब का एक नया ही एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट कम्युनिकेट बाय यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो जो ये इंटरनेट होता है जिसमें कि कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ये आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसे शॉर्ट में IP भी कहा जाता है, IP। ओके, तो ये जो होता है प्रोटोकॉल मतलब सम सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो किसी भी क्योंकि ये बहुत ही स्टैंडर्ड एक हमको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, क्योंकि हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेट करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो है जैसा सेटअप यहाँ जो हम हमारे पास है वैसा ही कहीं और होगा। ठीक है, तो एक सेट ऑफ रूल्स मैनेज होता है जिसके थ्रू जो होगा सारे कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, और ये जो होता है ये इंटरनेट प्रोटोकॉल IP क्या करता है, ये स्लाइसेस इंफॉर्मेशन इनटू पैकेट्स रूट देम इनटू देयर डेस्टिनेशन। ठीक है, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्लाइस करता है, उसे डिवाइड करता है किसमें, पैकेट्स में। ओके, और उन्हें उनको रूट करता है, राउट करता है टू देयर डेस्टिनेशन। ठीक है, जैसे कि हमको सपोज मुझे भिलाई से मुंबई में पर्टिकुलर किसी भी कंप्यूटर में मुझे इन्फॉर्मेशन भेजनी है। ठीक है, तो जो मैंने इन्फॉर्मेशन भेजी है, भेजनी है, ठीक है, वो IP के थ्रू क्या होती है, पैकेट्स में डिवाइड होती है, और उसे किस रूट से, कौन से सर्वर से, किस राउटर से उसे राउट करते हुए उसे मुंबई के सर्वर में या मुंबई के सिस्टम में भेजना है, वो IP डिफाइन करता है, IP डिसाइड करता है। ठीक है, एक और डेफिनेशन है इंटरनेट की, इज दैट ऑल द कंप्यूटर्स दैट पास इन पैकेट्स टू ईच अदर बाय यूजिंग IP। ठीक है, तो IP का यूज़ करके एक पैकेट दूसरे ऑल ओवर द इंटरनेट जो ऑल ओवर द कंप्यूटर्स को वो कम्युनिकेट करता है। तो इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स स्टोर्स इमेंस क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या करता है, क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करता है और ये कलेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो ये जो होगा इंटरनेट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। ठीक है, और क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर होती है या पर्टिकुलर ग्रुप के लिए रिक्वायर होती है, इस तरीके से वो मेंटेन करके रखता है। देन होस्ट एंड डोमेन। ठीक है, तो इंटरनेट में जो होगा क्या होता है, एक होस्ट होता है, मतलब कि कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, ईच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड अ होस्ट। ठीक है, इंटरनेट का हर एक कंप्यूटर एक क्या कहलाएगा, एक होस्ट कहलाएगा। ठीक है, होस्ट कंप्यूटर कहलाएगा। अब क्या होता है कि द कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट एंड देर आर नाउ मिलियंस ऑफ इंटरनेट होस्ट, देर आर कनेक्टेड बाय केबल्स फोन लाइन एंड सेटेलाइट कनेक्शन। अब क्या होगा, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स जो है कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डोमेन में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यदि हम किसी यदि मैं ये बताऊं कॉम, ठीक है, एक डोमेन हो गया कॉम, कॉम मीन्स फॉर कंपनी। ठीक है, NET, नेट इज़ फॉर नेटवर्क,
ओके ओ आर जी फॉर सम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ओके इट दिस इज ओ आर जी. देन फॉर एनी गवर्नमेंट, सपोज इन सी जी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट और यू एस गवर्नमेंट, दे आर यूजिंग डोमेन नेम एज जी ओ वी, जी ओ वी. ओके फॉर एजुकेशन वी आर यूजिंग ए डी यू. सो दिस आर द डोमेन्स. नंबर ऑफ होस्ट आर डिवाइडेड इन टू सम पर्टिकुलर डोमेन. ओके सो होस्ट एंड डोमेन इज क्लियर. ओके प्रीवियसली वी नो अबाउट द आई पी, देन होस्ट एंड डोमेन. नाउ नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ इंटरनेट. ओके ये जो है आप लोग मुझे बहुत ईजिली बता सकते हैं कि हम इंटरनेट का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं. ठीक है, सबसे जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक्स इंटरनेट यूजेस. तो इसमें है सेंड ईमेल मैसेजेस. ठीक है, हम ईमेल सेंड और रिसीव करते हैं. सेंड अपलोड और डाउनलोड फाइल्स बिटवीन द कंप्यूटर. ठीक है, हम ये चीज़ करते हैं. जो है कुछ फाइल्स या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है उसे हम अपलोड करते हैं. मतलब कि अपलोड करना मतलब कि किसी भी वेबसाइट में या इंटरनेट में उसे हम अपने सिस्टम से उस वेबसाइट में देना या उस पर्टिकुलर को मेल करना, दैट इज़ कॉल्ड अपलोड. ओके एंड डाउनलोड मीन्स पर्टिकुलर इंटरनेट के वेबसाइट से या कहीं से भी हम उसे अपने सिस्टम में यदि उसे स्टोर कराते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाउनलोड. देन पार्टिसिपेट इन डिस्कशन ग्रुप सच एज मेलिंग लिस्ट एंड न्यूज़ ग्रुप. ठीक है, हम ये न्यूज़ ग्रुप और ये सब में इन्वॉल्व हो सकते हैं यूजिंग इंटरनेट. सर्फिंग ऑन द नेट, सर्फिंग मीन्स हम पर्टिकुलर किसी भी चीज़ के लिए यदि खोज कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है या कुछ मटेरियल ढूंढना है. ठीक है, तो ये जो होता है सर्फिंग कहलाता है. रिसर्च के लिए जो है इंटरनेट बहुत ही यूजफुल होता है. सब अपने जो पेपर होते हैं, रिसर्च पेपर होते हैं, वो पब्लिश करते हैं. आजकल जो है ऑनलाइन जर्नल्स और ऑनलाइन पब्लिकेशंस भी रहते हैं. ठीक है, जिसके थ्रू जो होते हैं वो यूज़ करके जो होगा उसे रिसर्च के लिए जो है यूज़ किया जाता है. देन मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स और मार्केटिंग, शॉपिंग, ओके बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज ऑल यूज ऑफ इंटरनेट. सम मोर लाइक रियल टाइम कम्युनिकेशन, चैट, मैसेंजर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाइट बोर्ड, ये तो हम आज देख ही रहे हैं कि हर एक मीटिंग, हर एक क्लास जो होती है एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रही है. ठीक है, तो ये एक रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए भी इंटरनेट का यूज़ किया जाता है. FTP मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ओके FTP जो होता है ये सेंड और रिसीव फाइल टू एंड फ्रॉम द फाइल सर्वर. ठीक है, FTP का यूज़ फाइल ट्रांसफर के लिए किया जाता है. एक और यूज़ होता है इंटरनेट का टेलनेट होता है कि रिमोट लॉग इन टू अदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट. ठीक है, एंड www ये जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स और फाइल होती है जो कि हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक से कनेक्टेड होती है. ये एक वेबसाइट में स्टोर रहती है और जो है हमको कोई भी इंफॉर्मेशन यदि कोई भी पेज चाहिए जो कि वेब सर्वर में है तो हम उसे www के थ्रू ही एक्सेस करते हैं. ठीक है, यदि हमको गूगल का पेज ओपन करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, www लिखते हैं ना. ठीक है, तो ये जो होता है ये सारे क्या हो गए, यूजेस एंड सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट. तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस वीडियो लेक्चर में बेसिक देखा इंटरनेट क्या होता है. ठीक है, उसकी हिस्ट्री देखी, देन हमने उसके टर्मिनोलॉजीज देखे जैसे कि IP हो गया, होस्ट, डोमेन हो गया. ठीक है, उसके बाद हमने यूजेस देखे और सर्विसेज देखी. ठीक है, अब आप यदि जैसे अब सिलेबस जो है आप लोग सिलेबस देखेंगे. ठीक है, सिलेबस में 5 यूनिट हर सब्जेक्ट का 5-5 यूनिट का कंटेंट गिवन रहता है और उसके साथ में ही नीचे जो है लिस्ट ऑफ बुक्स दी हुई होती है. ठीक है, लिस्ट ऑफ बुक्स में एक कोर्स बुक या सब्जेक्ट बुक दी होती है, साथ में रेफरेंसेस भी दिया होता है. तो यदि हम कॉलेज में यदि आप जैसे आप कॉलेज में पढ़ाई करेंगे. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक बुक में सारा कंटेंट मिल जाए. ठीक है, हमको रिफ़र करने के लिए बहुत सी बुक्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि तो पर्टिकुलर यदि ऐसा किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को जो होता है कोई राइटर की बुक पसंद आ रही है या उसके लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है तो आप उससे कंटेंट आप ले सकते हैं, है ना. तो क्या होता है, आप अलग अलग बुक रिफ़र कर सकते हैं बट आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होना चाहिए. ठीक है, तो जो है रेफरेंसेस फॉर दिस लेक्चर इज इंटरनेट अ कंप्लीट रेफरेंस.
दिस इज योर सिलेबस बुक, ओके, कोर्स बुक, देन वेब टेक्नोलॉजी अ डेवलपर परस्पेक्टिव्स एन पी गोपालन एंड ड्रीम टेक पब्लिकेशन वेब टेक्नोलॉजी. तो ये बुक्स हैं आपके रेफरेंसेस के लिए. थैंक यू स्टूडेंट्स. आई होप आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच.